हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, वो भी इंस्टेंट। बहुत ही आसानी ना, बहुत ही शानदार हलवा बना के तुसी तैयार कर सकते हो। सिंपली तुसी मेरी स्टेप्स फॉलो करो तो डब बहुत ही वधिया हलवा बन के रेडी होएगा। सूजी का हलवा बनाने लिए सब तो पहले मैं एक पैन लूँगी जिस विच हलवा बनाना है। आधा कप मैं देसी घ्यो डाल लूँगी, इसके विचों 2 चम्मच देसी घ्यो दे मैं पैन विच पाऊँगी। हुण पैन विच मैं थोड़े जे ड्राई फ्रूट्स पाऊँगी। 10 तो 15 में किशमिश पाऊंगी। 10-12 काजू में चॉप करके पैन में पा लेना। 10 तो 12 इस विच में बादाम पा लेने। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी तुसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, नहीं पाना चाहते तो ड्राई फ्रूट स्किप भी कर सकते हो, पर ड्राई फ्रूट हलवे में पाने नाल हलवे का टेस्ट बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट में हल्का जहा फ्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा मैं ड्राई फ्रूट का कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का जहा फ्राई करना 1 तो 1.5 मिनट लिए। ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, हम इस ड्राई फ्रूट में एक प्लेट विच कट के एक तरफ रख लेना। बहुत ही जल्दी हलवा बनता है, सिर्फ एक पॉट विच हलवा बनता है, ये इसकी खासियत है। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, तुसी इस हलवे में एक बारी बनाओ तो यह हलवा बहुत पसंद आएगा। हुण पैन विच में बाकी बचा हुआ सारा घ्यो पा लेना। 1 कप मैं सूजी दा पाऊंगी, ये बरीक वाली सूजी है, तकरीबन 200 ग्राम। हुण मैं सूजी नूं चंगी तरह भुन लेना, लो टू मीडियम फ्लेम ते लगातार हिलाते हुए मैं सूजी नूं भुन लेना। तकरीबन 7 तो 8 मिनट लगनगे सूजी नूं चंगी तरह भुनने लई। हलवा बनाउण लई सूजी नूं चंगी तरह भुनना बहुत जरूरी है, जे सूजी चंगी तरह नहीं भुनी होएगी तां साडा हलवा वधिया नहीं बनेगा। हलवे विच इक चिपचिपाहट जी आ जाती है जे असीं सूजी नूं चंगी तरह नहीं भुनांगे। किसी भी हलवे नूं बनाउण लई, चाहे वह सूजी का होवे जां वह हलवा आटे का होवे, सूजी जां आटे नूं भुनना बहुत जरूरी है। जदों सूजी चंगी तरह भुनी जाती है तो घ्यो छड्डन लग जाती है, तो इस विच बहुत वधिया खुशबू आउण लग जाती है। सूजी अपनी भुनी गई, इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी है। हुण मैं इस विच पाऊंगी पानी। पानी सूजी तो 3 गुणा लेना। मैं 1 कप सूजी ले सी, उस 1 कप नाल मैं पानी नाप लिया, 3 कप मैं पानी दे ले रही हूँ। सूजी विच पानी तुसी इकट्ठा ही पाउणा, 1-1 कप करके नहीं पाउणा हैगा। किसी भी बड़े बर्तन में 3 कप पानी दे पा लो तो उसनों इकट्ठे ही पैन में पाओ। जे तुसी इस हलवे में 1-1 कप करके पानी पाओगे तो इस विच गठा पै सकते हैं। पानी मैं इकट्ठा ही पा लिया। हुण मैं इस विच पाऊंगी चीनी, 1.5 कप मैं इस विच चीनी दा पाऊंगी, 1 कप ते 1/2 कप। वेट विच देखोगे तो 300 ग्राम चीनी है। हुण मैं हलवे पाऊंगी केसर दे धागे, 10 तो 12 केसर के धागे मैं दुध में भिओ के रख लिया से। तुसी चाहो तो केसर के धागे पानी में भी भिओ के रख सकते हो। 1/2 छोटा चम्मच मैं इस इलायची पाउडर पाऊंगी। गैस की फ्लेम हुण मैं हाई कर लेनी है तो इस हलवे पका लेना। हुण मैं हलवे हाई फ्लेम पर उदों तक पकाना जो तक हलवे की एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। हुण मैं पैन में ड्राई फ्रूट पा लेना जिन्होंने मैं फ्राई करके एक तरफ रखे से। लगातार हिलाते हुए मैं हलवे को चंगी तरह पका लेना। जिमें जिमें हलवा पकता जाएगा यह गाढ़ा होता जाएगा। कुछ ही देर में तुसी देखोगे हलवा पैन में छड़ देगा, हलवा एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। तो मैं इस हलवे में पाऊंगी 2 तो 3 चम्मच देसी घ्यो, इस हलवे का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है तो हलवे में शाइन आ जाती है। इस तरह तुसी देख सकते हो साडा इंस्टेंट 1 पॉट सूजी का हलवा बन के रेडी हो गया। बहुत ही शानदार हलवा बन के रेडी होया। जो भी घर के कुछ मिठा खाने की डिमांड करन तो फटाफट किचन में जाके शानदार हलवा बनाओ। बहुत ही शानदार तो बहुत ही टेस्टी हलवा बन के रेडी होंगे। तुसी इस हलवे को बनायो तो मैं कमेंट करके दस्यो कि तुहाडा हलवा किवें दा बनिया। हलवे को सर्व करन दे टाइम सर्विंग बाउल में 1 चम्मच देसी घ्यो का होर पा लो तो इस हलवे को ड्राई फ्रूट नाल गार्निश कर लो। बहुत ही मज़ेदार तुहाडा हलवा बन के रेडी होएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुहानू मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तुसी इस नू फैमिली फ्रेंड्स भी शेयर करो, मेरे चैनल में सबसक्राइब करो। मेरी वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।